हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी सबसे बढ़िया और बेस्ट चल रही होगी। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, फील्ड में एंटर किए जाने वाले कैरेक्टर की अधिकतम संख्या के बारे में निर्णय कौन करता है? फॉर्मेट या फिर इनपुट मास्क या फिर कैप्शन या फिर फील्ड साइज। पहले बात, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये कह क्या रहा है। यह क्वेश्चन एक्सेल का है, जो एक्सेल में जो हमारा एक बॉक्स होता है इसको सेल बोलते हैं। अब उस सेल में कह रहा है कि जो हम टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उस टेक्स्ट की सीमा को कौन निर्धारित करता है कि इतना ही होना चाहिए, तो वो होता है फील्ड साइज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है, नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी भी आ रहा है, सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डाटा प्रोसेसिंग के बाद हम प्राप्त करते हैं क्या? निर्देश या सूचना या डाटा या कोई नहीं। पहली बात, प्रोसेसिंग क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग, तो डाटा प्रोसेसिंग हमारा होता है जब कोई भी चीज हम बोलते हैं, बोलने के बाद यदि जो आवाजें निकल किसी के पास जाती हैं, जो जाने का प्रक्रिया होता है उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। उसके बाद जिसको सुनाई देता है उसको वो आउटपुट होता है कि आउटपुट हमको मिला तो इनपुट लिया, तो जो बीच का प्रोसेस हुआ उसी को प्रोसेस कहते हैं। तो एक तरीके से ये सूचना देना हुआ, तो यही होता है सूचना। जैसे हम अभी कीबोर्ड में कोई बटन प्रेस करते हैं, जैसे प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो बटन प्रेस करते ही हमको वहां पे रिजल्ट दिखा देगा, लेकिन वो जो हमारा की प्रेस किया गया वो उतना जल्दी वहां पे आउटपुट दिखाया, लेकिन वो प्रोसेसिंग हुआ, अंदर से प्रोसेसिंग हुआ, सिस्टम को बताया गया कि यह नंबर आप प्रेस किया गया है, तो उस हिसाब से वो नंबर दिखा दिया। प्रोसेसिंग कितना फास्ट होगा दिखा नहीं। ऑप्शन नंबर यहां पे हमारा भी सही होगा, सूचना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंप्रेस की प्रस्तुति को किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है? डॉट ओडीटी या फिर डॉट ओडीपी या फिर डॉट ओडीएस या फिर डॉट पीपीटी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहली बात, इम्प्रेस है क्या? तो इम्प्रेस हमारा इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के तरह ही इम्प्रेस सॉफ्टवेयर है, तो उसमें भी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं बट वो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यूज किया जाता है, तो उसी का पूछ रहा है एक्सटेंशन नाम क्या है। जैसे हमारा नोटपैड का होता है टीएक्सटी, वर्ड पैड का होता है डॉक्यूमेंट, और हमारा एमएस वर्ड का डॉट डीओसी, और एक्सेल का होता है डॉट ईएक्सएल, ऐसे ये पूछ रहा है इम्प्रेस का क्या होता है। तो इंप्रेस का होता है डॉट ओ डी पी, ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है। और इसका फुल फॉर्म की बात करें तो ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, और इस प्रकार से आपको इंप्रेस का लुक दिखेगा प्रेजेंटेशन वाला, पूरा पावर पॉइंट की तरह है। जैसे पावर पॉइंट अगर सीख लिए तो ऑटोमेटिक आप इसको भी चला सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से या निम्नलिखित कंप्यूटरों में से सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? मिशिगन माइक्रोमोट या फिर लैपटॉप या डेस्कटॉप या वर्क स्टेशन। तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि लैपटॉप तो सबसे छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं, डेस्कटॉप बड़ा है, वर्क स्टेशन इससे बड़ा होता है, लैपटॉप थोड़ा छोटा, लेकिन सबसे छोटा होता है मिशिगन माइक्रोमोट। ये बहुत ही छोटा कंप्यूटर बनाया गया है। सो अगर आपको दिखाएं तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इसके बारे में चर्चा करें। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा नीचे, यहाँ पे नीचे अगर हम आप बात करें तो कुछ इस प्रकार देखिए कंप्यूटर दिख रहा है, इतना छोटा, देखिए इतना बड़ा चिप की तरह दिख रहा है ना। इसके बाद अगर उदाहरण की बात करें तो यहाँ देखिए, अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा विश्व का सबसे छोटा कंप्यूटर मिशिगन माइक्रोमोट विकसित किया गया। शोधकर्ताओं ने इस कंप्यूटर को मेडिकल क्षेत्र में सहायता हेतु बनाया था, सोचिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर गतिविधियों में प्रयुक्त यूएसबी का पूरा नाम, यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है। इसलिए बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि आप हमेशा यूज करते हैं, यूएसबी को लगाना निकालना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर सी सही है, नीचे भी देख सकते हैं, आपको नीचे ही दिखाएगा, सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इमेज कुछ इस प्रकार दिखेगा जो कि लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, हमारे एडाप्टर जो चार्जर होते हैं उसमें तो दिखते ही दिखते हैं। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नेटवर्क
मेट्रोपॉलिटन एरिया को कवर करता है। अब ये मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है? तो ये होता है लैंड यानी लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया। ठीक है, तो लैंड वैन मैन इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? वैन क्या होता है, पहले वैन के बारे में जानिए। देखिए वैन हमारा होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो समुद्रों में बड़े बड़े वायर बिछाते हैं उससे हम इंटरनेट यूज करते हैं, फोन कॉल्स करते हैं, उसको वैन कहते हैं। उसी वैन के जरिए हमारा मैन चलता है जिसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया। उसके बाद उस मैन की वजह से हम लैंड चलाते हैं जो सिस्टम में कनेक्ट होता है वाईफाई चलाने के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क। सो अगर इसको हम डिजाइन या फिर इमेज के जरिए देखें तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, पता है आपको? तो किस इस प्रकार देखिए, आपका वैन है, अर्थ पूरा भरा होता है, पूरे पृथ्वी पे पूरे समुद्र में बिछा हुआ तार है। इसके बाद मैन की वजह से अलग अलग जगहों पे एक फिक्स पॉइंट बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग जगहों पे घरों पे पहुंचाने का काम करता है कौन? लैंड। देखिए कुछ इस प्रकार दिखेगा, देखिए ये अर्थ है, अर्थ में आपको यहाँ पे वैन दिख जाएगा, वैन तो वायर बिछा हुआ है समुद्र के चारों तरफ। उसके बाद लैंड की वजह से एक सेंटर बनाया गया, उस सेंटर से अलग अलग घरों में लैन की वजह से वाईफाई लगा हुआ है कुछ इस प्रकार से। और मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करें तो ये है, लैन कनेक्ट करने की अनुमति देता है और लैन की तुलना में ये बहुत ही व्यापक होता है और वैन की तुलना में बहुत सुरक्षा प्रदान करता है। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आमतौर पर कई शहर या ब्लॉक या पूरा शहर शामिल हो सकता है लैन की वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? अभी क्रोम यूज करते हैं, फायरफॉक्स यूज करते हैं, एक्सप्लोरर यूज करते हैं, ये सब, लेकिन सबसे पहला हमारा ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा था? बेकसियान या इरवाइज या फिर मोजिला फाउंडेशन या फिर टीम बर्नर ली, इनमें से कौन सा ऑप्शन? तो ये हमारा होता है इरवाइज। इरवाइज इज द करेक्ट आंसर। हमारा कुछ इस प्रकार से दिखता है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। यहाँ देखिए पहले इस प्रकार से हमारा वेब ब्राउजर दिखता था ग्राफिकल, कितना अलग दिख रहा है ना, लेकिन अब एडवांस हो चुके हैं तो अच्छा दिख ही रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल या याहू या हॉटबॉट या जीमेल। तो याहू तो है, गूगल भी है, बट हॉटबॉट और जीमेल इन दोनों में कंफ्यूजन है, लेकिन जीमेल तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जीमेल ही होना चाहिए, बट यहाँ पे ऑप्शन एक और दिया है हॉटबॉट। पहले हॉटबॉट के बारे में जान लीजिए, हॉटबॉट है क्या? चलिए नीचे आइए, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए नीचे देखिए, हॉटबॉट क्या है ना, ये एक सर्च इंजन है। हॉटबॉट एक सर्च इंजन है जो कि यह हमारा कनाडाइया शहर में चलता है, कनाडाइया शहर में चलता है। और इसको लॉन्च किसने किया था? क्रिस्टल रिचर्ड्स ने किया था। ठीक है, बहुत ही वेबसाइट पॉपुलर वेबसाइट थी 2022 में, 22 में ये आके पॉपुलर हुआ था, लेकिन पहले जो 1990 के दशक में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। अब फिर से लॉन्च किया गया है, लेकिन गूगल इसको आने नहीं दे रहा है, बट चल रहा है। और यहू जानते हैं इसमें मेल करना और एक तरीके से कोई इमेज पोस्ट करना या फिर कह सके तो जो सर्च करते हैं कोई चीजें, तो एक तरीके से ये भी गूगल की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसको मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो ये था, और गूगल वाले जानते हैं आप हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूनिक रेफरेंस लेबल या यूनिफॉर्म रेफरेंस लेबल या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनिक रिसोर्स लोकेटर, कौन सा आंसर सही है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको इमेज दिखेगा जो कि हम क्यूआर को कॉपी करके पेस्ट करते हैं, तब जाकर तुमको कोई चीज का लिंक मिल जाता है, दिखा देते हैं, पता ही है आपको। सो अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है, उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही होगी, आपके इन्फॉर्मेशन की होगी। सो जय हिंद, जय भारत।